पहले उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के आर्थिक उन्नयन के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है और देश के नंबर दो की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप एक नई पहचान बनाई है। ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था, अविश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण था। पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था, भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते थे, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी, देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था, नौजवान हताश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया था। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के एक राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपने एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था और उस पारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आज देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत, और इन सबको हमने देखा है, एक सुरक्षित रूप सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी। दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है, युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है, भारत की युवाओं की आजीविका का प्रबंध भी है, आम जनता की आस्था का सम्मान भी है इस नए भारत में। और इस नए भारत को अंदर हम देख सकते हैं, इस नए भारत को जब हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे आएगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच उन्होंने एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, और दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था, कोरोना कालखंड के दौरान वह जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें अपने बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हों, वह तैयार हो गया।
मैंने कहा भी मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूं, आपने मुझे अपना इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हां साहब ये बन के तैयार हो चुका है और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भी ठीक है हम लोग आ रहे हैं, इसमें एक काम करना कि मेरे आने के पहले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौंका, कहा जनप्रतिनिधि? मैंने कहा हां, वहां के मान्य सांसद होंगे, मान्य विधायकगण होंगे। कहा क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक हैं? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आके मेरे सामने इस बात को कहे, कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया कि इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारे जनपद में आया है और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान और जो सकारात्मक माहौल बना आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक प्रति इनकम वाले जनपदों में से एक है। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, हुई है और देश के सामने एक मानक बढ़ा है। आज कौन नहीं जानता है, पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश वो प्लान करता था और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज यहां पर देश की प्रगति के लिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे, किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था, मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था, अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। मैं चौंका, मैंने वहां के विधायक को फोन किया, मैंने कहा भाई धीरेन्द्र जी ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है? उन्होंने कहा हां घटना घटित हुई है, मैं मौके पे हूं। मैंने कहा इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात करा। उन्होंने कहा पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई संदेह? कहा नहीं संदेह तो नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और
उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब देखें लोग बोलते थे यहां एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा नहीं, बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा, और उसके बाद हम लोग लेके आए थे। आपने देखा होगा आज एयरपोर्ट बन रहा है, और ये एयरपोर्ट तो निवेश ला ही रहा है, लेकिन आने वाले समय एयरपोर्ट को चलने दीजिए, कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाला है अकेले एक एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। और अब तो यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अब यहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है, अब यहां पर यानी जो कभी कल्पना थी आज वह इस जनपद के माध्यम से न केवल प्रदेश को बल्कि देश को मिलना है। यह जो सकारात्मक वातावरण पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर देखने को मिला है, यह अद्भुत है। दुनिया इसके प्रति अभिभूत है, और हम भारतवासियों का दायित्व भी बनता है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिषिक्त बना लेता है, और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानी है तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। हम देश के बारे में सोचेंगे, देश रहेगा हम सब भी रहेंगे, देश रहेगा देश समृद्धि करेगा हम भी समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक वह भारत था जब लोग भूखों मर रहे थे, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, इंडस्ट्री बंदी के गगार पर थी, गुंडे और अपराधी जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार की अराजकता फैलाते थे, यही राज्य है, दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मैं किसी देश में गया इस दौरान, मेरे पास वहां पर भारत के जितने भी हमारे राजनयिक थे, जिस भी देश में गया वहां पे लोग आके 2-4 अधिकारी मिलते के कहते थे कि साहब हम लोग तो यहां काम कर रहे हैं, हमारे बूढ़े मां बाप हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमने एक फ्लैट के लिए पैसा जमा किया था, कोई कहता था 10 साल हो गए, कोई कहता था 12 साल हो गए, कोई कहता था 15 साल हो गए, आज तक हमें नहीं मिला। और मुझे जब हम लोगों ने कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट आई, तो मैंने यहां पे उसी समय अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा भी देखो कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू करो, हर हाल में लागू कर दो, कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, और हर एक बायर्स को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन आ नहीं पाया, मुझे यहां आना था, लेकिन चूंकि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे बीच कार्यक्रम से उठना पड़े, और मैं इसीलिए मैंने कहा कार्यक्रम आपका चार्ज जरूर है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जनता को वहां का अधिकार मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए।
और परिणाम था, जब मैं अगले दिन पेपर की पप्टिंग में मंगा के देखा, मैंने कहा देखा किसी को 27 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 23 साल के बाद, किसी को 21 साल के बाद उनका मकान का अधिकार मिला। उन लोग चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस समय। और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या, जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है, एक कॉमन मैन खुश है, कौम खुश है। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं क्या डर नहीं लगता, मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं थी। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है आप सबके सामने है। एक तरफ वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और दूसरी तरफ यह सरकार है जो कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला देती है। अंतर है, देखो केवल सोच का अंतर है। उनको कर्फ्यू प्यारा था लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली प्यारी है। जनता जनार्दन जिसमें खुश रहे, जिसमें वो सुरक्षित रहे, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी। और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य देश के अंदर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई सोचता है कितना बड़ा कार्य हुआ। हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक एक आवास दिए हैं, 56 लाख गरीबों को। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा, 25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब हैं।